काम है युवाओं के लिए, भर्ती भरोसा, 30 लाख वैकेंसीज भरना, पहली नौकरी पक्की, अप्रेंटिसशिप वाला कानून, पेपर लीक से मुक्ति, पेपर लीक वाला कानून, गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी और युवा रोशनी, 5,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्टअप्स के लिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, आदिवासी युवाओं के लिए, पिछड़े वर्ग, दलित, गरीब, जनरल कास्ट के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। सबसे पहला कदम हमने गिनती की है, हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं, 30 लाख। मोदी जी इनको भरवाते नहीं है, बीजेपी इनको भरती नहीं है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। दूसरा ऐतिहासिक काम, हम मनरेगा प्रोग्राम लाए थे, रोजगार का अधिकार, लाखों लोगों को फायदा हुआ, अधिकार दिया हमने। वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं, और यह अधिकार हर ग्रेजुएट, हर डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। अधिकार क्या है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा के एकदम बाद एक साल के लिए हर ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिस में एक साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1 लाख रुपए उसे एक साल में दिया जाएगा, और यह हर ग्रेजुएट के लिए किया जा रहा है। यह जो लाखों लोग कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, कॉलेज के एकदम बाद अगले दिन इनको अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी और यह अधिकार होगा। यह ऐसे नहीं होगा कि भैया हमें देना है तो देंगे, नहीं देना तो नहीं देंगे। यह मनरेगा जैसा अधिकार होगा, कानूनी अधिकार अप्रेंटिसशिप का आपको दे रहे हैं। इससे देश में करोड़ों युवाओं को फायदा होगा, ट्रेनिंग मिलेगी और पहला साल का, एक प्रकार से पहले साल का रोजगार मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सारे युवा आए, कहते हैं राहुल जी हमने एग्जाम की तैयारी की, हम गरीब हैं, 3-4 महीने हमने मतलब रात दिन कर दिए, एक कर दिए, एग्जाम के दिन पता लगता है 5% वालों के टेलीफोन पे पेपर लीक। हम ईमानदारी से काम करते हैं और जिनके पास धन है, पेपर चुरा लेते हैं और फिर उसके बाद हमें कहा जाता है कि देखिए पेपर लीक हो गया तो आपको अब नौकरी नहीं मिलेगी। पुलिस की भर्ती में होता है, पटवारी, सब भर्तियों में होता है। तो हम एक नया कानून लाएंगे, पेपर लीक के खिलाफ एक कानून, जिसमें हम एग्जाम दिलवाने का तरीका स्टैंडर्डाइज कर देंगे कि एग्जाम होगा
तो ये जो आउटसोर्सिंग होती है प्राइवेट कंपनियों को पकड़ा दिया जाता है, ये आउटसोर्सिंग नहीं होगी। एग्जाम सरकारी संस्था करेगी और इस प्रकार से करेगी, और अगर इस प्रकार से नहीं किया और अगर पेपर लीक हो गया तो फिर कानूनी कार्रवाई ऐसी होगी कि दूसरी बार नहीं होने वाला है। चौथी चीज युवाओं के लिए, बहुत सारे युवा उबर ओला डिलीवरी का काम करते हैं, इसको अंग्रेजी में गिग वर्कर्स कहते हैं, और राजस्थान में हमने इनके लिए कानून बनाया था, इनकी रक्षा के लिए, इनकी पेंशन के लिए, इनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए। जो कानून हमने राजस्थान में बनाया था वही कानून हम पूरे हिंदुस्तान में लागू करने जा रहे हैं कि जो ड्राइवर का काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, उबर का काम, ओला का काम, ये पिज्जा डिलीवरी जो होती है, ये जो सब युवा हैं इनकी रक्षा हो, इनका एक प्रकार से पेंशन हो, सोशल सिक्योरिटी हो, और इनको एक दिन में सड़क पे ना करा जा सके, तो इसके लिए हम एक हिंदुस्तान में एक कानून बना रहे हैं। और पांचवी चीज, यह भी ऐतिहासिक चीज, नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया किया, स्टैंडअप इंडिया किया, मेक इन इंडिया किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सारा का सारा 2-3 अरबपति उठा के ले गए। नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग जरूर कर दी, टीवी पे उनका चेहरा जरूर दिखा दिया, मगर जो युवा हैं उनको ना स्टार्टअप मिला ना मेक इन इंडिया मिला। तो हमने 5,000 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए एक फंड बनाया है, और हर डिस्ट्रिक्ट में ये फंड रहेगा। 10 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए, गरीबों के लिए ये फंड दिया जाएगा। तो गरीब युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, ये अगर छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो ये स्टार्टअप फंड उनकी मदद के लिए किया जा रहा है। तो ये 5 ऐतिहासिक काम है युवाओं के लिए। भर्ती भरोसा, 30 लाख वैकेंसीज भरना, पहली नौकरी पक्की, अप्रेंटिसशिप वाला कानून, पेपर लीक से मुक्ति, पेपर लीक वाला कानून, गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी, और युवा रोशनी, 5,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट।